तो अभी हम लोग ऑक्सिलरी पावर सिस्टम में बात करने वाले बैटरी चार्जर के बारे में। अभी जो बैटरी चार्जर होता है ये क्या होता है? सबसे पहले जो बैटरी चार्जर होता है, नाम से पता चल रहा है, बैटरी को चार्ज करने का काम करेगा। हमारी ट्रेन में जो बैटरी जो लगी है, वो टोटल जो बैटरी जो लगी है, कितनी बैटरी लगी है? 80 बैटरी लगी है, 80 सेल्स लगी है। एक साइड में 40 सेल है और दूसरे साइड में 40 सेल है। अभी यहाँ पर ये जो बैटरी है, इसे हमें क्या करना होगा? चार्ज करना होगा। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए हमारे पास होता है बैटरी चार्जर। तो ये जो बैटरी चार्जर होता है, ये डीसी टू डीसी ट्रांसफार्मर के तौर पर काम करता है। मतलब बैटरी चार्जर है क्या? एक तरीके से ट्रांसफार्मर है, जिसमें डीसी भी इनपुट जो होगा वो भी डीसी होगा, और जो आउटपुट होगा वो भी डीसी होगा, बट जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होगा वो कैसा होगा? वेरिएबल होगा। तो बैटरी चार्जर एक्ट एज अ डीसी टू डीसी ट्रांसफार्मर, जिसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है वो वेरिएबल होता है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है? जो आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज दोनों का रेशियो ले ले, तो हमें क्या मिल जाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें दी इनपुट ऑफ बैटरी चार्जर मॉड्यूल, जो बैटरी चार्जर मॉड्यूल का जो इनपुट होता है, इसको हम लोग बेसिकली फीड करते हैं 360 वोल्ट डीसी से। मतलब जो बैटरी चार्जर मॉड्यूल है, उसका जो इनपुट होता है, उसमें हम लोग कितना देते हैं? 360 वोल्ट डीसी देते हैं। ये बहुत अच्छी तरीके से हमें पता होना चाहिए, जो बैटरी चार्जर जो है उसका जो इनपुट है उसमें हम लोग कितना वोल्ट देते हैं? 360 वोल्ट देते हैं, जिसमें प्लस माइनस 360 वोल्ट डीसी हम लोग देते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमें बेसिकली दिखाई दे रहा है डीसी टू डीसी कन्वर्टर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डीसी टू डीसी ट्रांसफार्मर हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमें ट्रांसफार्मर वाइंडिंग दिखाई दे रही है, और यहाँ पर ये जो आइसोलेशन जो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनिक आइसोलेशन। आई गेस यहाँ पर ये वाली फिगर में क्लियर होगा, जस्ट होल्ड ऑन। जैसे हमने बात किया, हाँ, ये वाली फिगर हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हमें जो आइसोलेशन जो दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली गैल्वेनिक आइसोलेशन, राइट। तो ये जो बैटरी चार्जर जो है, इसके इनपुट में हम लोग कितना फीड करते हैं? 360 प्लस माइनस 360 वोल्ट हम लोग डीसी फीड करते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर वही लिखा है बैटरी चार्जर में। अगर हम लोग देखें, बैटरी चार्जर कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेस हाफ ब्रिज विच ट्रांसफॉर्म इनपुट वोल्टेज इनटू रेक्टेंगुलर शेप वोल्टेज। अभी जो बैटरी चार्जर होता है, इसमें बेसिकली हमें सिंगल फेस हाफ ब्रिज कन्वर्टर मिलता है, जो कि क्या करता है, जो इनपुट वोल्टेज को, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि जो बैटरी चार्जर होता है, इसमें जो इनपुट जो वोल्टेज होता है, किसमें कन्वर्ट होता है? रेक्टेंगुलर शेप वोल्टेज में कन्वर्ट होता है। अब ये जो रेक्टेंगुलर शेप जो वोल्टेज होता है, क्या करता है? जो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी है उसे सप्लाई करता है। तो बैटरी चार्जर में बेसिकली सिंगल फेज हाफ ब्रिज कन्वर्टर लगा होता है, जो कि क्या करता है, जो प्लस माइनस 360 वोल्ट जो डीसी है उसको किस में कन्वर्ट करता है? रेक्टेंगुलर शेप वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। अभी जो रेक्टेंगुलर शेप जो वोल्टेज है, रेक्टेंगुलर शेप जो साइन वेव होती है, ये क्या करती है? ट्रांसफार्मर के प्राइमरी को सप्लाई प्रोवाइड करने का काम करती है। ट्रांसफार्मर विच मेक्स द गैल्वेनिक आइसोलेशन बिटवीन द बैटरी वोल्टेज एंड द प्राइमरी वोल्टेज। यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है, ये बेसिकली बैटरी वोल्टेज और जो उस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में जो प्राइमरी वोल्टेज है, दोनों के बीच में गैल्वेनिक आइसोलेशन भी बनाने का काम करता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाली फिगर में, हमें यहाँ पर ये बेसिकली गैल्वेनिक आइसोलेशन दिखाई दे रहा है। अभी जो गैल्वेनिक आइसोलेशन है, इसका क्या काम है? जो गैल्वेनिक आइसोलेशन है, बेसिकली जो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग हमें जो दिखाई दे रही है, और यहाँ पर ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग हमें, जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग हमें दिखाई दे रही है, और ये वाली जो वाइंडिंग है बेसिकली बैटरी वोल्टेज के लिए, तो दोनों के बीच में बेसिकली आइसोलेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो जो गैल्वेनिक आइसोलेशन है, जैसे हमने बात किया, जो गैल्वेनिक आइसोलेशन है बैटरी वोल्टेज और प्राइमरी वोल्टेज के बीच में, तो जो बैटरी का जो वोल्टेज और ट्रांसफार्मर की प्राइमरी का जो वोल्टेज, दोनों के बीच में हमने एक आइसोलेशन प्रोवाइड करके रखा है, जो कि क्या है? गैल्वेनिक आइसोलेशन। तो अब तक के हमने क्या समझा? यहाँ पर ये जो बैटरी चार्जर जो सर्किट है, इसमें क्या लगा होता है? हम लोग ऐसा बोल सकते हैं डीसी टू डीसी ट्रांसफार्मर लगा होता है, जिसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होती है वो कैसी होती है? वेरिएबल होती है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को हम लोग वेरी कर सकते हैं। अभी जो बैटरी चार्जर जो सर्किट है, इसमें जो इनपुट वोल्टेज है हम लोग कितना दे सकते हैं? प्लस माइनस 360 वोल्ट डीसी देते हैं। अब ये जो बैटरी चार्जर है, इसमें हम लोग बेसिकली एक ट्रांसफार्मर भी लगा के रखे, जैसे हमने बात किया वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। अभी ट्रांसफार्मर में अगर हम लोग देखें, गैल्वेनिक आइसोलेशन प्रोवाइड करके रखे, जो गैल्वेनिक आइसोलेशन है वो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और जो बैटरी का जो वोल्टेज है, दोनों के बीच में आइसोलेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। डायोड रेक्टिफायर एंड एन आउटपुट फिल्टर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड डीसी वोल्टेज। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो डीसी जो वोल्टेज है हमें कैसा मिलेगा? डायोड रेक्टिफायर के थ्रू मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो डायोड रेक्टिफायर है, इसके थ्रू हमें क्या मिलेगा? ये डायोड रेक्टिफायर के थ्रू हमें डीसी वोल्टेज मिलेगा, और ये जो डीसी वोल्टेज होगा उसको हम लोग कहाँ पर फिट कर देंगे? बैटरी में फिट कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, डायोड रेक्टिफायर एंड एन आउटपुट फिल्टर, डायोड रेक्टिफायर और आउटपुट फिल्टर, आउटपुट फिल्टर हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है? यहाँ पर ही हमें फिल्टर दिखाई दे रहा है। तो डायोड रेक्टिफायर, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें एलसी फिल्टर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो डायोड रेक्टिफायर और ये जो फिल्टर जो दिखाई दे रहा है, ये डायोड रेक्टिफायर और ये जो फिल्टर जो दिखाई दे रहा है, इसके थ्रू जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं? बैटरी में फेड कर देते हैं।
तो डायोड रेक्टिफायर एंड एन आउटपुट फिल्टर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड डीसी वोल्टेज टू फिट बैटरीज एंड 110 वोल्ट लोड। तो जो डायोड रेक्टिफायर और जो इनपुट फिल्टर, जो डायोड रेक्टिफायर और जो आउटपुट फिल्टर है, इसके थ्रू जो डीसी वोल्टेज होता है हम लोग बैटरी में फिट कर देते हैं और 110 वोल्ट लोड में फिट कर देते हैं। तो यहाँ से हमने क्या समझा, जो बैटरी चार्जर जो सर्किट है, ऑक्सिलरी पावर सिस्टम में हमें बेसिकली बैटरी चार्जर सर्किट भी मिलती है। अभी जो बैटरी चार्जर जो सर्किट है इसमें हमें डीसी टू डीसी ट्रांसफार्मर मिलता है, जिसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है वो कैसा होता है, वेरिएबल होता है। दूसरा है जो जो बैटरी चार्जर सर्किट है इसके इनपुट में हम लोग 360 वोल्ट डीसी देते हैं, और बैटरी चार्जर सर्किट में जैसे हमने बात किया ट्रांसफार्मर का हमने यूज़ किया है। अभी जो ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर में हम लोग बेसिकली गैल्वेनिक आइसोलेशन भी प्रोवाइड करके रखते हैं, और ये जो गैल्वेनिक आइसोलेशन है हम लोग किसके बीच में प्रोवाइड करके रखे हैं, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग का जो वोल्टेज है उसके बीच में और बैटरी के जो वोल्टेज है दोनों के बीच में हमने गैल्वेनिक आइसोलेशन प्रोवाइड करके रखा है। ट्रांसफार्मर में बेसिकली सिंगल फेज हाफ ब्रिज कन्वर्टर भी लगा है, जो कि क्या करेगा, जो इनपुट जो वोल्टेज है प्लस माइनस 360 डिग्री उसको किस में कन्वर्ट करेगा, रेक्टेंगुलर शेप वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, और जो रेक्टेंगुलर शेप जो वोल्टेज होगा एक तरीके से वेरिएबल वोल्टेज का क्या करेगा, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को सर्व करेगा। जो और ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में ऑल्टरनेटिंग हम लोग बोल सकते हैं वेरिएबल वोल्टेज होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें रेक्टेंगुलर शेप वोल्टेज, ये जो है ये एक तरीके से वेरिएबल वोल्टेज है, वेरिएबल पल्स है, और ये क्या करेगा, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को सर्व करने का काम करेगा। अभी जैसे हमने बात किया जो गैल्वेनिक आइसोलेशन है बेसिकली बैटरी वोल्टेज और ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के बीच में जो वोल्टेज है दोनों को आइसोलेट करने का काम ये गैल्वेनिक आइसोलेशन कर रहा है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें हम लोग बैटरी चार्जर सर्किट में डायोड रेक्टिफायर और आउटपुट फिल्टर का भी यूज़ करें, जिसके वजह से होगा क्या, इसके थ्रू जो आउटपुट वोल्टेज होगा उसको हम लोग फिल्टर करेंगे, और वो जो डीसी आउटपुट वोल्टेज होगा 110 वोल्ट उसको हम लोग जो बैटरी होगी और जो 110 वोल्ट की जो लोड होगी उसमें हम लोग फिट कर देंगे। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो बैटरी चार्जर सर्किट है इसमें अगर हम लोग देखें हमें करंट वोल्टेज चार्जिंग कैरेक्टरिस्टिक भी मिलती है। दूसरा अगर हम लोग देखें टेम्परेचर कंपनसेशन और बैटरी चार्जिंग वोल्टेज, यहाँ पर जो बैटरी जब चार्ज होती है तो ऐसे केस में जो टेम्परेचर का जो कंपनसेशन है वो बेसिकली ऑटोमेटिक हो जाता है, जो टेम्परेचर है वो कंपनसेट कर जाता है, कंपनसेशन हो जाता है टेम्परेचर का जब बैटरी जैसे जैसे चार्ज करने लगती है, बैटरी का वोल्टेज जैसे जैसे चार्ज होने लगता है तो जो टेम्परेचर है वो कंपनसेट होने लगता है ऑटोमेटिकली। ये बेसिकली फंक्शन है जो कि हमारे बैटरी चार्जर सर्किट में। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था हमारी ट्रेन में 3 APS लगे होते हैं, APS 1, APS 2, APS 3। APS जैसे कि हमने बात की ऑक्सिलरी पावर सिस्टम, तो यहाँ पर ये जो APS 1 होता है कहाँ पर लगा होता है, TC 1 में, और जो APS 2 होता है MC 3 में, और जो APS 3 होता है ये बेसिकली TC 2 में लगा होता है। अभी यहाँ पर हर APS में क्या लगा होता है, हर APS में बैटरी चार्जर लगा होता है, और ये जो APS होता है ये क्या करता है, बैटरी को चार्ज करने का काम करता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हर एक, जैसे कि हमने बात किया हर एक APS में क्या लगा होता है, बैटरी चार्जर लगा होता है, और ये ट्रेन की बैटरी को क्या करने का काम करता है, चार्ज करने का काम करता है। ट्रेन में कितने बैटरी बॉक्स है, 3 बैटरी बॉक्स है जैसे कि हमने बात किया, तो 3 APS है तो 3 बैटरी चार्जर हो गए, और 3 बैटरी चार्जर 3 बैटरी बॉक्स को क्या करेंगे, चार्ज करने का काम करेंगे। मतलब पहला वाला जो बैटरी चार्जर होगा पहले वाली बैटरी बॉक्स को चार्ज करेगा, दूसरा वाला बैटरी चार्जर दूसरे वाली बैटरी बॉक्स को, और तीसरा वाला जो बैटरी चार्जर होगा तीसरी वाली बैटरी बॉक्स को चार्ज करेगा। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि जब हमारी ट्रेन यार्ड में होती है तभी हमें डीसी पावर की रिक्वायरमेंट होती है, तभी हम लोग क्या बैटरी का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें पता है जब हमारी ट्रेन वर्कशॉप में होती है, वर्कशॉप में बेसिकली OHE अवेलेबल नहीं होती, तो जब OHE अवेलेबल नहीं होती वर्कशॉप में, तो ऐसे केस में अगर हमें ट्रेन का अगर कुछ सब सिस्टम अगर हमें चेक करना हो, जैसे कि मान लेते हैं पैसेंजर अनाउंसमेंट कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन सिस्टम को हमें चेक करना है, राइट, तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, ट्रेन को ऑन करना होगा। तो ट्रेन को ऑन करने के लिए हमें क्या करना होगा, बैटरी का यूज़ करना होगा। बैटरी के थ्रू हम लोग पावर लेंगे, और वो पावर के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, जो पैसेंजर अनाउंसमेंट कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, जैसे कि अनाउंसमेंट सिस्टम हो गया, इंडिकेशन सिस्टम हो गया, उसको हम लोग क्या कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है, जब हमारी ट्रेन मेन लाइन पर होती है तो तभी क्या डीसी पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्या, तभी भी डीसी पावर की रिक्वायरमेंट होती है। हमें समझना होगा हमारी ट्रेन में डीसी लोड कितने टोटल। तो जैसे कि हमने बात की हमारी ट्रेन में कितनी कार है, 8 कार है, तो 8 कार में जो डीसी लोड है वो कितने, 8 कार में अगर हम लोग देखें पूरी 8 कार की ट्रेन में जो डीसी लोड है वो कितना है, वो है 58.3 किलोवाट। तो 58.3 किलोवाट ये है क्या, ये टोटल डीसी लोड है पूरी 8 कार की ट्रेन में। अभी एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें तो 58.3 किलोवाट ये पूरा डीसी लोड है पूरी ट्रेन का, और यहाँ पर हम लोग बेसिकली जो बैटरी है उसको हम लोग डिस्चार्ज कंडीशन में कंसिडर कर रहे हैं। मतलब जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज होगी, बैटरी भी एक तरीके से क्या है, डीसी लोड है, तो जो बैटरी होगी उसकी भी कुछ कैपेसिटी होगी। तो जब हमारी बैटरी पूरी तरीके से डिस्चार्ज होती है तो पूरी ट्रेन में
जो डीसी लोड की जो कैपेसिटी होती है, डीसी लोड की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है, 58.3 किलोवाट। जब हमारी बैटरी पूरी तरीके से चार्ज होता हो जाती है तो ऐसे केस में हमारी ट्रेन में जो डीसी पावर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है, 42.7 किलोवाट। तो जब बैटरी पूरी तरीके से चार्ज होगी, जब बैटरी हमारी ट्रेन में पूरी तरीके से चार्ज हो जाएंगी तो ऐसे केस में जो लोड की जो डीसी पावर की जो रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी, 42.7 किलोवाट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ड्यूरिंग डिग्रेडेड मोड, जब हमारी ट्रेन डिग्रेडेड मोड में चलेंगी, डिग्रेडेड मोड में होगा कि एक जो एपीएस होगा वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। टू बैटरी चार्जर नीड टू सप्लाई टोटल लोड, तो दो बैटरी चार्जर को क्या करना होगा, टोटल लोड सप्लाई करना होगा, जो कि कितना है, टोटल लोड 42.7 किलोवाट। विच मीन्स लोड ऑन ईच बैटरी चार्जर, हर एक बैटरी चार्जर पे जो लोड जो गिरेगा कितना गिरेगा, 21.3 किलोवाट, और हर बैटरी चार्जर की जो कैपेसिटी हो कितनी है, वो है 30 किलोवाट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमें एक और एक चीज़ समझ में आना चाहिए, हमारी ट्रेन में क्या लगा होता है, स्टैटिक इन्वर्टर। अभी एक चीज़ नोट डाउन करें, जो स्टैटिक इन्वर्टर होता है, हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा बोलते हैं कि जो SIV होता है ये ऑक्सिलरी पावर सप्लाई बनाता है, जो कि कौन कौन से 110 वोल्ट DC है, फिर उसके बाद सिंगल फेज 240 वोल्ट है, थ्री फेज 415 वोल्ट है। तो यहाँ पर एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, SIV 110 वोल्ट DC बना रहा है, और ये बैटरी से भी हमें 110 वोल्ट DC मिल रहा है, जो बैटरी बॉक्स है इससे भी हमें क्या मिल रहा है, 110 वोल्ट DC मिल रहा है। तो ये बैटरी से भी हमें 110 वोल्ट DC मिल रहा है, और SIV से भी हमें 110 वोल्ट DC मिल रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअल में 110 वोल्ट DC हमें दे कौन रहा है, क्या बैटरी दे रही है या फिर हमें SIV दे रहा है? तो यहाँ पर अगर हम लोग एक चीज़ अगर समझे, जो SIV होता है, SIV के साथ लगा होता है बैटरी चार्जर, अल्टीमेटली इसका जो आंसर है वो ये है कि जो 110 वोल्ट DC होता है ये हमें बेसिकली बैटरी से ही मिलता है, जो SIV है 110 वोल्ट DC बनाने का काम नहीं करता, राइट? तो जो SIV होता है इसके साथ लगा होता है बैटरी चार्जर, और ये जो बैटरी चार्जर होता है ये क्या करता है, बैटरी को कंटिन्यूसली चार्ज करता है, 110 वोल्ट DC बैटरी को कंटिन्यूसली चार्ज करता है। और ये जो 110 वोल्ट ये जो DC जो बैटरी है, जो हमें जो बैटरी से जो पावर जो मिलता है, ये जो बैटरी का जो पावर होता है DC लोड को पावर प्रोवाइड करने का काम करता है। तो यहाँ से एक और एक चीज़ हमें समझ में आती है, जब हमारी ट्रेन मेन लाइन पर होती है तो तभी भी हम लोग DC पावर का यूज़ कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि जब हमारी ट्रेन वर्कशॉप में हो रही होती है और OHE अवेलेबल नहीं होता, ट्रेन को स्टार्ट करना होता है तभी हम लोग DC बैटरी का यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है। जब हमारी ट्रेन मेन लाइन पे भी होती है तभी भी DC पावर जो लोड होता है उसे हमें क्या करना होता है, पावर प्रोवाइड करना होता है, और वो DC पावर लोड को पावर प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, बैटरी बॉक्स करता है, राइट? तो जो 110 वोल्ट DC हमें जो मिलता है ये बेसिकली बैटरी से मिलता है, SIV से नहीं मिलता है, राइट? तो जैसे हमने बात किया हर एक बैटरी चार्जर की जो कैपेसिटी वो कितनी है, हर बैटरी चार्जर की जो कैपेसिटी वो कितनी है, वो है 30 किलोवाट। अगर एक APS अगर फेल हो जाएगा तो उसके साथ लगा जो बैटरी चार्जर होगा वो भी काम नहीं करेगा, राइट? तो बाकी के जो दो APS हो गए वो दो APS के साथ जो लगा जो बैटरी चार्जर होगा वो काम करेगा, राइट? तो एक अगर बैटरी चार्जर की कैपेसिटी अगर 30 किलोवाट होती है और ट्रेन में टोटल लोड अगर 42.7 किलोवाट है, तो ऐसे केस में जो इंडिविजुअल जो बैटरी चार्जर हो गए, दो जो बैटरी चार्जर हो गए डिग्रेडेड मोड पे, उन पे जो लोड जो पड़ेगा वो कितना पड़ेगा, 21.35 किलोवाट। तो यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, जब हमारी ट्रेन डिग्रेडेड मोड में होती है तो ऐसे केस में दो बैटरी चार्जर क्या करते हैं, 42.7 किलोवाट जो लोड की जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करते हैं। इसका मतलब अगर हम लोग देखें, एक बैटरी चार्जर पे जो लोड जो गिरेगा कितना गिरेगा, 21.3 किलोवाट गिरेगा, और बैटरी चार्जर की जो कैपेसिटी वो कितनी है, बेसिकली 30 किलोवाट। अभी अगर हम लोग देखें, एक चीज़ अगर हम लोग और नोट डाउन करें, जब यहाँ से हमें दो चीज़ तो पता चल गई, ये जो 110 वोल्ट DC जो है ये हमें बेसिकली बैटरी चार्जर जो होता है बैटरी बॉक्स को चार्ज करता है, और वो बैटरी के तो हमें 110 वोल्ट DC मिलता है, SIV 110 वोल्ट DC नहीं बनाता। अभी एक चीज़ अगर हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करें, हमें क्या नोट डाउन करना है कि मान लेते एक जो APS है वो क्या हो गया, फेल हो गया, तो उसके साथ लगा जो बैटरी चार्जर होगा वो भी क्या होगा, वो भी फेल हो जाएगा। बट जो बैटरी जो बॉक्स होगा, वो बैटरी बॉक्स में जो बैटरी होगी, वो बैटरी चार्जर जिस बैटरी बॉक्स को चार्ज कर रहा होगा, वो जो बैटरी होगी क्या वो डिस्चार्ज हो जाएंगी? तो जो बैटरी होती है वो बेसिकली डिस्चार्ज नहीं होती, तो उसी के बारे में हमें बात करना है, राइट? तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, उसी के बारे में हमें बात करना है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, वन बैटरी चार्जर फेलियर, अगर एक बैटरी चार्जर अगर फेल हो जाएगा मेन लाइन पर, एक बैटरी चार्जर अगर फेल हो जाएगा या फिर एक APS फेल हो जाएगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो बैटरी चार्जर है वो फेल हो जाएगा, राइट? तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पर वो जो बैटरी चार्जर जिस बैटरी बॉक्स को चार्ज कर रहा था, क्या वो जो बैटरीज है, वो बैटरी बॉक्स में जो बैटरीज है, क्या वो डिस्चार्ज हो जाएंगी? तो क्या वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएंगी, जैसे कि हमने डिस्कस किया,
बैटरी डिस्चार्ज हो जाएंगी, इसका मतलब क्या है, इससे हम लोग क्या समझते हैं? ये बेसिक सी चीज़ है, हमारी जो बैटरी होती है किसके साथ कनेक्टेड होती है, लोड के साथ कनेक्टेड होती है, राइट। लोड के साथ कनेक्टेड होती है मतलब डीसी लोड के साथ कनेक्टेड होती है, राइट। अगर बैटरी अगर डीसी लोड के साथ कनेक्टेड है और बैटरी अगर डिस्चार्ज हो रही है तो जो डीसी लोड होगा वो क्या करेगा, काम करेगा। जैसे कि हमें पता है, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट होता है, बैटरी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, एलईडी लगाते हैं। तो जब बैटरी डिस्चार्ज होगी एलईडी के थ्रू, तो ऐसे केस में जो एलईडी होगी वो क्या होगी, वो ग्लो करेगी, राइट। सिमिलरली ट्रेन की भी जो बैटरी होती है वो किसके साथ कनेक्टेड होती है, डीसी लोड के साथ कनेक्टेड होती है, डीसी लोड के साथ कनेक्टेड होती है। जैसे कि ट्रेन में जो इंटीरियर लाइटिंग जो होती है वो बेसिकली डीसी पावर पे चलती है, राइट। तो ट्रेन की जो बैटरी है डीसी लोड के साथ कनेक्टेड होती है, जैसे कि ट्रेन की लाइटिंग हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया। अभी अगर बैटरी अगर डिस्चार्ज होगी तो ट्रेन की लाइट के अक्रॉस डिस्चार्ज होगी, जिसके वजह से होगा कि ट्रेन की जो लाइट होगी वो क्या होगी, वो ग्लो होगी। बट यहाँ पर सीन क्या होता है, जब हमारी ट्रेन, जब ट्रेन में एपीएस अगर फेल हो जाता है, बैटरी चार्जर फेल हो जाता है, तो ऐसे केस में जो बैटरी होती है वो डिस्चार्ज भी नहीं होती। बैटरी जब डिस्चार्ज नहीं होती है तो ऐसे केस में जो बैटरी के साथ जो लगा जो लोड होता है वो भी काम नहीं करता, राइट। तो ऐसे केस में वो जो लोड है वो कैसा चलेगा, ऐसे केस में वो जो लोड है बाकी की जो तो बैटरी है उसके थ्रू चलेगा। अब ये बैटरी किस तरीके से नहीं डिस्चार्ज होती है, क्यों नहीं डिस्चार्ज होती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया, यहाँ पर ट्रेन में क्या लगा होता है, 3 APS लगा होता है, हमारी ट्रेन में 3 APS लगा। अब ये जो APS के जो पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, एक पॉजिटिव DC बस बनती है। अभी जो पॉजिटिव DC बस का जो पोटेंशियल होता है, जिसको हम लोग पॉजिटिव DC पोटेंशियल बोल सकते हैं, तो जो पॉजिटिव DC बस का जो पोटेंशियल होता है ये 119 वोल्ट होता है, जिसे फ्लोट चार्ज वोल्टेज भी बोला जाता है। तो जो पॉजिटिव DC बस का जो पोटेंशियल होता है ये 119 वोल्ट होता है, जो कि 119 वोल्ट होता है, जो कि बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा होता है, राइट। बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा होता है, तो इसके वजह से होता क्या है, जो हमारी बैटरी के साथ जो डायोड जो लगा होता है वो कौन सी बायसिंग में चले जाता है, रिवर्स बायसिंग में चले जाता है, और रिवर्स बायसिंग में जाने की वजह से होता क्या है, जो बैटरी होती है वो हमारी डिस्चार्ज नहीं होती, राइट। तो जैसे कि हमने बात किया बैटरी डिस्चार्ज क्यों नहीं होती, उसका रीज़न ये होता है कि जो हमारे तीनों जो APS होते हैं उसके जो पॉजिटिव DC टर्मिनल होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, जिसके वजह से होता है कि DC बस फॉर्म होती है। अभी पॉजिटिव DC बस होती है और इसका जो पोटेंशियल होता है वो 119 वोल्ट होता है, 119 वोल्ट होता है, जो कि हायर होता है बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज के कंपैरिजन में, जिसके वजह से होता है कि जो बैटरी के साथ जो डायोड जो लगा होता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें कुछ इस तरीके से डायोड दिखाई दे रहा है जो कि यहाँ पर बैटरी के साथ लगा होता है। यहाँ पर ये जो डायोड जो होता है ये कौन सी बायसिंग में चले जाता है, रिवर्स बायसिंग में चले जाता है, जिसके वजह से होता क्या है, जो बैटरी होती है वो डिस्चार्ज नहीं हो पाती लोड के अक्रॉस, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 2 बैटरी चार्जर्स आर अवेलेबल, 2 बैटरी चार्जर्स अवेलेबल है, ऑल दी ट्रेन लोड विल बी सप्लाइड बाय देम, और जितने भी जो ट्रेन लोड होंगे डीसी लोड उनके थ्रू सप्लाई किए जाएंगे, एंड बैटरी कनेक्टेड टू दी फील्ड बैटरी चार्जर, जो फील्ड बैटरी चार्जर के साथ जो बैटरी जो कनेक्टेड है वो डिस्चार्ज नहीं होगी, जिसके वजह से होगा क्या, 110 वोल्ट डीसी लोड जो वो बैटरी के साथ कनेक्टेड थे उसको पावर नहीं मिलेगा, राइट। तो इतना हमें समझ में आया, हमें यहाँ पर समझना क्या है कि जब APS फेल हो जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग बैटरी चार्जर फेल हो जाएगा, तो ऐसे केस में जो बैटरी होती है वो लोड के अक्रॉस डिस्चार्ज नहीं होती, क्योंकि जो डायोड जो लगा होता है बैटरी के साथ वो रिवर्स बायसिंग में चले जाता है, जिसके वजह से वो बैटरी को लोड के अक्रॉस डिस्चार्ज होने नहीं देता। और उसका जो मेन जो इंपॉर्टेंट जो रीज़न है वो क्या है, जो पॉजिटिव डीसी बस होती है उसका जो पोटेंशियल होता है वो ज़्यादा होता है बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज के कंपैरिजन में। अब ये जो पॉजिटिव डीसी बस है किससे मिलती है, किससे, कहाँ से आई, ये तीनों APS के जो पॉजिटिव डीसी टर्मिनल होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा है, दी डीसी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑल 3 APS विल बी कनेक्टेड टू फॉर्म दी डीसी बस। APS में हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग अगर देखें यहाँ से थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, APS के पॉजिटिव DC टर्मिनल का मतलब क्या होता है, DC पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब। तो अगर हम लोग सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए अगर बोले, जो APS जो होता है उसमें बेसिकली बस लगी होती है, जिसे बेसिकली बोला जाता है पॉजिटिव DC बस। अभी जो पॉजिटिव DC बस का जो पोटेंशियल होता है ज़्यादा होता है बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज के कंपैरिजन में, जिसके वजह से होता क्या है, जो बैटरी के साथ जो डायोड जो लगा होता है रिवर्स बायसिंग में चले जाता है, जिसके वजह से जो बैटरी होती है वो डिस्चार्ज नहीं हो पाती, राइट। तो यहाँ से हमें बहुत अच्छी तरीके से दो चीज़ समझ में आई, यहाँ पर जो SIB होता है उसके थ्रू 110 वोल्ट नहीं बनता, जो SIB उसके साथ लगा होता है बैटरी चार्जर, जो बैटरी चार्जर होता है बेसिकली बैटरी को चार्ज करने का काम करता है, और ये बैटरी बॉक्स के थ्रू हमें क्या मिलता है, DC वोल्टेज मिलता है, और ये जो DC वोल्टेज होता है इसके थ्रू हम लोग जो ट्रेन में जो लोड होता है उसको हम लोग पावर सप्लाई करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें बैटरी चार्जर, बैटरी चार्जिंग स्कीम, एज पर दी करंट स्कीम इफ एनी ऑफ दी APS फेल्स, बैटरी कनेक्टेड टू इट्स बैटरी चार्जर विल नॉट बी चार्ज। तो जैसे कि हमने बात किया, अगर कोई भी APS फेल हो जाता है
तो ऐसे केस में जो बैटरी होगी वो चार्ज नहीं होगी, क्योंकि जो बैटरी चार्जर होगा वो भी काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर सब वही इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से डायोड लगा होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें बैटरी दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये बैटरी दिखाई दे रही है, और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से डायोड लगा होता है, राइट। अब ये जो डायोड होता है कौन से बायसिंग में चले जाता है, रिवर्स बायसिंग में चले जाता है। तो जब ये रिवर्स बायसिंग में चले जाता है तो ऐसे केस में वो जो डिफेक्टिव जो बैटरी चार्जर है उसके साथ जो बैटरीज जो होती है वो डिस्चार्ज नहीं होती। डिफेक्टिव बैटरी चार्जर जिस बैटरी बॉक्स को चार्ज कर रहा होता है वो जो बैटरी होती है वो डिस्चार्ज नहीं होती लोड के अक्रॉस।